दोस्तों नमस्कार, स्वागत है मौर्य जी न्यूज चैनल में। दोस्तों एक बार हम फिर उपस्थित हुए हैं आप लोगों के समक्ष नई जानकारी लेकर के। दोस्तों आज हम बात करेंगे दोस्तों कि सभी चिटफंड कंपनियों के जो निवेशक हैं, एजेंट हैं, इन सभी के साथ नाइंसाफी हो रही है। इस नाइंसाफी को आज हम अपने चैनल के माध्यम से उजागर करेंगे दोस्तों, और साथ में बताएंगे इसमें क्या प्रोसेस चल रहा है और सेबी ने हमारे साथ क्या किया है। दोस्तों इसी पर बात करेंगे। दोस्तों इससे पहले हम चाहेंगे दोस्तों जो पहली बार चैनल पर न्यूज़ देख रहे हैं उनसे रिक्वेस्ट है चैनल को सब्सक्राइब कर लें और साथ में बेल आइकन घंटी को दबा दें ताकि उन्हें लेटेस्ट न्यूज मिलती रहे। और पहले से सब्सक्राइब किए हमारे सब्सक्राइबर भाइयों को बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों चैनल के माध्यम से। दोस्तों आते हैं अपने न्यूज पर। हम बात ये कहना चाहते हैं दोस्तों, हम सीधा सीधा सवाल उठाना चाहते हैं, जब से 2014 में सरकार में बीजेपी सरकार आई और हमारे माननीय नरेंद्र मोदी जी प्रधानमंत्री बने, तब से आज तक जो गरीब तबका है बुरी तरह से परेशान है, किसी न किसी एंगल से परेशान है। ऐसे ऐसे कानून बनाकर सरकार ला रही है जिसके चलते गरीब आज रो रहा है। पता नहीं क्यों सरकार जीतती चली जाती है और गरीब छलता चला जाता है, गरीबों को छला जाता है। इस बार एजेंटों के माध्यम से गरीब छले गए, एजेंटों ने लोगों का पैसा जमा करवाया दिया कंपनी में, कंपनियां सारी बंद कर दी गई, ऐसे ऐसे नियम कानून लाए, सेबी को अधिकार दे दिए गए और कंपनियां बंद हो गई। कंपनियां जब बंद हुई तो लोग परेशान हुए। आज 6 साल गुजर गए, 2014 में बंद हुई, लेकिन अभी तक पैसा देने के नाम पर जिस तरीके से सेबी पैसा दे रही है ये बेईमानी की हद है। कहीं भी पैसा देना लेने की जहां बात आती है रसीदों को नहीं मांगा जाता, लेकिन यहां पेशियल के एजेंटों से सारी की सारी रसीदों की मांग की जाती है। जितनी रसीदें होंगी उसी के आधार पर पैसा लौटाएंगे, ये बेईमानी सरासर होती है। और यहाँ के लोग इस बेईमानी को आसानी से स्वीकार कर रहे हैं। कितनी बड़ी बेईमानी होती है, पैसा लौटाने के नाम पर मैनेजमेंट और सेबी आपस में मिले हुए हैं। पीएसएल का मैनेजमेंट और सेबी आपस में मिले हुए हैं, जिसके चलते गरीबों को पैसा नहीं मिल पा रहा है। पैसा ना मिल पाना एक बड़ी समस्या ये भी है कि लोगों के जिन निवेशकों का पैसा जमा है उनके अंदर एक सोच है, ये सोच है कि हमने जो पैसा जमा किया है एजेंट को दिया है, एजेंट ने पैसा जमा करवाया है, हम किसी को नहीं जानते, किसी सरकार को नहीं जानते हैं, हमने एजेंट को पैसा दिया है, एजेंट पैसा ला करके दे, कहीं से ला करके दे, उसने गलत जगह पर पैसा निवेश क्यों करवाया। पेशल जानते थे पेशल के ऐसी कंपनी है और भाग जाएगी, अगर वो जानते थे तो पैसा क्यों जमा करवाया, ऐसा निवेशक कहते हैं। और निवेशक इसलिए कहते हैं क्योंकि उनको सच्चाई नहीं पता, क्योंकि ना तो सच्चाई से मतलब कि सरकार दिखाना चाहती है, ना टीवी दिखाती है, ना पेपर में दिखाती है, सच्चाई नहीं दिखाती है। इन चिटफंड कंपनियों में इतना एडवर्टाइज थोड़े करवाती है कि इन चिटफंड कंपनियों में पैसा आप ना जमा करें नहीं तो ये भाग जाएगी, ऐसा नहीं देखा। अगर ऐसा करना होता तो इस ऐसी चिटफंड कंपनियों का रजिस्टर्ड क्यों करवाती है, और रजिस्टर्ड करवाने के बाद 14-15 साल 20-25 साल ये चलती है, बहुत धड़ल्ले से चलती है, और उसके बाद ये बंद कर दी जाती है। एक सोची समझी साजिश के तहत सारा पैसा छीन लिया जाता है। हम बात ये कर रहे हैं कि आज हम लोगों का पैसा नहीं मिल पा रहा, हमें सपोर्ट में खड़े होने वाला कोई तैयार नहीं होता, जिन निवेशकों का पैसा जमा है वो भी नहीं तैयार हो रहे हैं। वो कह रहे हैं कि हम पैसा लेने के लिए कहीं नहीं जाएंगे, हम एजेंट को पैसा दिया है उसी एजेंट से हम पैसा लेंगे,
वो उसने गलत जगह पे पैसा जमा करवाया। एजेंट गद्दार है और कंपनी गद्दार है, ये दोनों गलत तरीके से काम कर रहे थे इसलिए पैसा फंस गया हमारा। हम सवाल उन निवेशकों से करना चाहते हैं दोस्तों कि निवेशक को इस बात को समझना चाहिए, ना तो एजेंट गलती की गलती है, ना निवेशक की गलती है, ना कंपनी की गलती है, सीधा सीधा गलती आती है सरकार की। सरकार ने गलत नीतियों के चलते जो संस्था बैठाई गई है जांच करने के लिए कि कोई कंपनी गलत तो नहीं कर रही है, सेबी एक संस्था है जांच करती है कि कोई कंपनी गलत तो नहीं कर रही है, तो इसे 14-15 साल 50-25 साल 32 साल बीत जाने के बाद उसे गलती का एहसास होता है कि कंपनी गलत कर रही है। उसके पहले उसे नहीं दिखाई पड़ता कि कंपनी गलत कर रही है। अगर गलत कर रही है तो ऐसा एक्शन ले कि पब्लिक प्रभावित ना हो, लेकिन सेबी इस तरह का एक्शन लेती है कि पब्लिक क्या पूरी दुनिया परेशान हो जाए, बेमानी पे उतर आती है। और एक चोर तो बाहर तुमने देखा होगा, डाका डालने वाले को देखा होगा, डाका डालते हैं उस प्रकार, मतलब कि डाका डालने वाले जबरदस्ती लोगों को परेशान करके मार काट करके पैसा उठा ले जाते हैं घर से। लेकिन ये सेबी इतनी लाइसेंसधारी चोर है, लाइसेंसधारी संस्था है, लाइसेंसधारी डाकू है कि ये गरीबों का पैसा जबरदस्ती मतलब कि ले लेती है और देने के नाम पर इस प्रकार देती है जैसे कि गरीबों का पैसा वहाँ जमा ही ना हो। दोस्तों कितनी बड़ी बेईमानी हो रही है। दोस्तों इस बात को समझें, निवेशकों को इस बात को समझना होगा कि इसमें गलती सरकार की है, सरकार की गलत नीतियों की है जिसके चलते गरीबों का पैसा फंसा है। हमें सरकार को अच्छी सबक सिखाने के लिए हम लोगों को एकजुट होना पड़ेगा। इस बात को दिल से निकाल दीजिए कि इसमें एजेंडों की गलती है। पहले भी 2014 से पहले भी काम लोग किया करते थे, किसी प्रकार की दिक्कत नहीं होती थी, लोगों को समय पर मैच्योरिटी हुआ करती थी, लोगों का पैसा जमा हो जाता था और समय से मिल जाता था, ऐसी कोई शिकायत नहीं थी लोगों के अंदर, न इस प्रकार से कोई कंपनी बंद होती थी। लेकिन सवाल ये उठता 2014 के बाद जब सरकार ने सारे अधिकार सेबी को दे दिए, उसके बाद मनमानी ढंग से सेबी ने उसे हथियार बना लिया शोषण करने का, लूटने का, और लाइसेंसधारी सेबी उसे लाइसेंस मिल गया लूटने का और उसने लूटना शुरू कर दिया। ये संविधान के विरुद्ध है, अर्थात संविधान के विरुद्ध यह है कि संविधान की प्रस्तावना का घोर उल्लंघन सरकार कर रही है। और हर एक क्षेत्र में कोई क्षेत्र ऐसा नहीं बचा जिस क्षेत्र के लोगों को इन्होंने परेशान करके न रखा हो, और फिर भी ये जीत रही है वोटों से, भारी बहुमतों से। ये बहुत बड़ा सवाल है दोस्तों, इस पर गौर करना होगा। हम निवेशकों को सोचना होगा कि किसी भी कंपनी में पैसा जमा हो या किसी भी बैंक में पैसा जमा हो, हम निवेशक ही तो हैं। हम निवेशकों को इस बात को समझना चाहिए, गलत नीतियों के चलते, गलत सरकार के चलते हम लोगों का पैसा फंसा है और हम इसके विरोध में हम वोटिंग नहीं करेंगे। यही मात्र बहुत बड़ा हथियार है दोस्तों, कहीं भी अगर वोट पड़ने की बारी आती है तो सभी निवेशकों को इस बात को लक्ष्य बनाना चाहिए, अगर हमारा पैसा किसी कंपनी में फंसा है, कोई भी कंपनी हो, किसी भी कंपनी में फंसा है, तो इसके जिम्मेदार सरकार है और कोई नहीं। सीधा सीधा अगर सरकार इतनी गलत तरीके से कंपनियों को ना बंद करती, अगर बंद भी करती तो निवेशकों को ध्यान में रखती, केवल 2 ही महीने में सभी निवेशकों का पैसा वापस कर देती और कहीं से वापस करती, तो तब हम जानते कि ये पब्लिक का ध्यान देती है, अन्यथा हम सरकार को ही दोषी कहेंगे। इस बात को लोग जब समझ जाएंगे जिस दिन, उस दिन सरकार 24 घंटे 48 घंटे में जो है निवेशकों के खाते में पैसा आएगा, किसी भी कंपनी का पैसा हो आ जाएगा, इसमें कोई शक नहीं है दोस्तों। दोस्तों लीगल कार्रवाई के चलते पैसा मिल सकता है, अनलीगल तरीके से पैसा नहीं मिल सकता है दोस्तों। ये बहुत करके लोगों ने देख लिया, लेकिन आज तक केवल सेबी की तरफ से लोग छलते आए हैं, किसी का पैसा देती नहीं है, ये केवल लेना जानती है दोस्तों। हम बात करना चाहेंगे दोस्तों, सेबी ने 2,77,000 जो निवेशकों के पैसे, मतलब 2,77,000 अप्लीकेशन जांच करके जो पैसा लौटाया है, ये केवल 1% से भी कम है, 1% से भी कम पैसा लौटाया गया है, वो भी दोस्तों कितने फार्म फिलअप किए गए। और बता रही कि हमने 5,000 से नीचे वाले सभी लोगों का रिफंड कर दिया, जो गलत हैं वही बाकी हैं।
जिसमें कुछ कमियां पाई गई वही बाकी हमने सब वापस कर दिया। इतने अच्छी तरीके से कह दिया, और सभी का पूरा पैसा नहीं आया, बहुत ही कम लोगों का पैसा आया, बहुत कम मतलब ना के बराबर पैसा आया है दोस्तों, पूरा पैसा नहीं आया। जिस तरीके से ये एप्लीकेशन बॉन्ड को फार्म फिलअप करवा रही है और सारी रसीदों की मांग कर रही है दोस्तों, ये बहुत गलत है, बहुत बड़ा अन्याय है दोस्तों, ऐसा नहीं होना चाहिए दोस्तों।